मैं जो इतनी देर से चलते रिक्शे से आगे आती और पीछे छूटती जाती दुकानों के साइन बोर्ड बड़े ध्यान से देखती जा रही थी, मैं तुरंत सरू दीदी की उंगली के इशारे को पढ़ लिया। छोटे लाल चाट भंडार, सिविल लाइन्स, बरेली। मैंने दीदी की तरफ देखा और हम एक दूसरे को देखकर हंस दिए। छोटे लाल चाट भंडार अब पीछे छूट चुका था। पिछले 20 मिनट से रिक्शे से शहर की सैर करती मैं अब फिर से आगे आने वाली दुकानों के साइन बोर्ड पढ़ने में लग गई। दीदी लगातार बताई जा रही थी, कभी अपने घर, कभी विवेक और कभी शहर के बारे में। मैं बस हर बार एक निगाह उन पर डालती और फिर सड़क के दोनों तरफ आने वाली दुकानों के साइन बोर्डों में जोशी मेडिकल हॉल ढूंढने लग जाती। दीदी अच्छी लगी मुझे, विवेक की बताई बात ठीक थी, उनकी दीदी सच में बहुत बातें करती हैं। हालांकि इतनी कचर कचर करने वाले लोग मेरी समझ से बाहर हैं। निगाहें अब भी आगे आने वाले बोर्डों पर थीं, पर अब शायद मैं अपने आप से ही बातें करने लगी थी। तभी लगा कि दिल ने एक सवाल कर लिया हो जैसे, परख, क्या सच में इतनी कचर कचर करने वाले लोग समझ से बाहर है तुम्हारी? और फिर मैं अपने आप पर ही हंसती, मैं कैसे भूल सकती हूँ तुम्हारी वो बपक मानव। इसके बाद जाने क्यों मैं दीदी की बातों को ध्यान से सुनने की कोशिश करने लग गई। लेकिन जोशी मेडिकल हॉल निकल ना जाए ये बात अब भी दिमाग और ढूंढती आंखों में थी। उधर दीदी अब भी जारी थी, परख, इन स्ट्रीट लाइट्स में शाम का ये वक्त मुझे बहुत पसंद है। सूरज डूब जाने के बाद रोशनियां किस तरह स्ट्रीट लाइट्स के रंग में रंग जाती हैं, लगता ही नहीं कि इन रोशनियों का सूरज से कोई नाता भी रहा होगा पहले। दीदी की इस बात में पता नहीं ऐसा क्या था कि मैं सब कुछ भूल के उनकी तरफ देखने लगी और फिर पता नहीं कहां से दिमाग में कौंधने लगा कि कहीं तुम भी मेरे बाद इन रोशनियों की तरह किसी स्ट्रीट लाइट के रंग में रंग तो नहीं गए होगे मानव। कॉमर्स की स्टूडेंट रही हूं मैं, मगर ग्राहम बेल और साइंस को लेकर एक अलग तरह का सम्मान है दिल में। हो भी क्यों ना, आखिर उनके आविष्कार के जरिए ही तो मैं तुमसे मिली हूँ, मेरे प्यारे ब्लैंक कॉलर। एक ऐसा जुमला जिसमें प्यारा लगे होने के बावजूद ये तुम्हें कतई पसंद नहीं, और क्योंकि तुम्हें ये सुनकर चिढ़ होती है मानव, तो मुझे तुम्हें चिढ़ाने में बड़ा मजा आता था। मेरा तुम्हें चिढ़ाना और तुम्हारा चिढ़ के बोलना कि अब मुझे गलत नंबर के जरिए एक सही लड़की मिल गई, इसमें मेरी क्या गलती? ये सिलसिला अब 1.5 साल पुराना हो चुका है। परख, तुम्हारी माँ ने एकदम सही नाम दिया है तुम्हें, परख परख। देखो बिना देखे मेरे जैसे हीरे को कैसे परख लिया तुमने। तुम्हें खुद की तारीफ करने और सुनने में सच में कितना मजा आता है ना। ईमेल के जरिए हमेशा हम एक दूसरे को तस्वीर भेजते और हर बार तुम्हारी फोटो के बाद मुझे फोन पर तुम्हारी तारीफों के लंबे पुल बांधने होते थे। ईमेल के जरिए हमेशा हम एक दूसरे को अपनी तस्वीरें भेजते और हर बार तुम्हारी फोटो के बाद मुझे फोन पर तुम्हारी तारीफों के लंबे पुल बांधने होते थे, जैसे इस कहानी में तुम लड़की और मैं लड़का हूँ। सरू दीदी की उस बात के बाद जाने कैसे मैं सूरज डूबने से पहले की चमचमाती रोशनियों में पहुंच गई थी। दीदी ने मेरे मुस्कुराते चेहरे को देखा और मेरे हाथ पर अपना हाथ रख के हल्का सा हिलाते हुए पूछा,